अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद अमजद और मैं आपको अपने चैनल ट्रैवल सर्विसेज दीना में वेलकम करता हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये फ्लाई दुबई के जो नए रूल्स के मतलब है। फ्लाई दुबई ने भी यूएई एंट्री का जो है वो सिस्टम 2 सितंबर से लागू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने जाके ये सारी उनकी वो जो नए रूल्स वो चेक करने हैं। ये फ्लाई दुबई की वेबसाइट मेरे पास ओपन है, ठीक है। आपने ये फ्लाइंग भी 10 पे क्लिक करना है, रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। तो ये प्रोसीजर फॉर दुबई रेजिडेंस ट्रैवलिंग अब्रॉड है। इसके अंदर मैं आपको जो चीज़ें आपके जो मतलब रिलेटेड हैं मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इफ़ यू होल्ड ए रेजिडेंस वीज़ा इशूड बाय एनी अदर एमिरेट You will need to confirm your entry, re-entry to the UAE at uaeentry.ica.government.ae before booking your flight. So, if you do not confirm your entry, re-entry to the UAE, you will not be accepted for travel. ये कल शाम को इनकी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज हुई थी, लेकिन जो आज 2 सितंबर की जितनी भी थी परवाज़ें फ्लाई दुबई की मुल्तान से, सियालकोट से, लाहौर से, तमाम पैसेंजर ट्रैवल हो चुके हैं। लेकिन अभी आज हमने फ्लाई दुबई कॉल की थी तो तकरीबन 10 बजे कॉल की थी तो उनको ये बताया था कि ये आपकी वेबसाइट पे एक नई वो यूएई एंट्री वाली अपडेट हुई है। तो उन्होंने बोला जी जो आज से जो टिकटें बनेंगी वो आपके अपने रिस्क पर होंगी और वो टिकटें नॉन रिफंडेबल होंगी, तो प्लीज़ हमारी जो ट्रैवल एडवाइज़री है आप उसको फॉलो करें। तो आज 2 सितंबर 2020 है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ट्रैवल एजेंट से कि खुदारा के ट्रैवल एडवाइज़री इनकी जाके चेक कर लें पहले फ्लाई दुबई की, फिर टिकटें बनाएं। अगर ग्रीन शो हो रहा है तो टिकटें बनाएं। अगर टिकटें इससे पहले जितनी भी टिकटें बनी हैं 1 सितंबर से पहले या 1 सितंबर तक, वो टिकटें सारी रिफंडेबल हैं एज़ पर एयरलाइन जो उन्होंने हमें बताया है। तो जो 2 सितंबर को आप टिकटें बना रहे हैं अगर वो रेड शो हो रहा है टिकटें बनवा रहे हैं तो वो टिकटें नॉन रिफंडेबल हैं आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इसने आपको हल किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।